Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. I hope कि आप सभी अच्छे हो, आपका भाई भी एकदम बढ़िया है. तो पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी. पंजाबी में अगर कहें तो सारे ने लोहड़ी दिए लख लख बधाई. तो जो मेरे से छोटे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, बड़े हैं उनको पैरी पोना. अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें ताकि हम अपना जल्द से जल्द अपना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएं. तो इस वक्त सुबह का टाइम है, 9 बज चुके हैं और आज का व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया है अपने ऑफिस से. अभी भी ऑफिस आया था तो ठंड काफ़ी ज़्यादा आज. और मैं कल ही वेट कर रहा था बर्फ़ पड़ने का, यार बर्फ़ पड़ी है बट वो पुंछ वाली साइड, मंडी लोअर वाली साइड पड़ी है. तो वो भी व्लॉग मेरे जल्द ही जल्द आएंगे यूट्यूब पे. और उसके बाद मैं अभी अपने ऑफिस आया था. ऑफिस हमारा मैटर में है जो कि गैस एजेंसी है हमारी, जो शहीद युगल गैस एजेंसी के नाम से है यहाँ पे मैटर में. तो कोई भी किसी को भी अगर यार गैस के रिलेटेड कोई काम है आप अपने भाई के पास आ सकता है बेझिझक. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अभी करेंगे, क्योंकि मैंने मतलब सुबह सुबह इसलिए आया था क्योंकि मैंने ना धूप वगैरह जलाना है भगवान जी को. सबसे पहले भगवान जी को याद किया जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग. तो हमारी अभी पूजा पाठ हो चुकी है ख़त्म. तो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा. एक तो भाई आपके ने कल कान सिलवाया है, जो कि मैं अभी नहीं चाहता था कि मैं अभी कान सिलवाऊँ. मैंने सिर्फ अपने भाई से बात करी थी कल कि यार मैंने कान सिलवाना है. तो मैंने उसको अगले हफ्ते के लिए बोला, मैं देखे कि अगले हफ्ते कान सिलवाएंगे. उस बंदे ने क्या किया, उस बंदा वो मुझे ज़बरदस्ती ले गया तो मेरा कान सिलवा दिया उसने. पहले मुझे लगा यार काफ़ी दर्द होता है, बट कुछ टाइम तक ही होता है दर्द, उसके बाद पता नहीं चलता. तो दूसरी चीज़, मेरे बाल काफ़ी बड़े हो रखे थे जो कि मैंने कल ही कटवाए. तो अभी मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है. तो सीधा काम ख़त्म करके मिलते हैं आपको उसके बाद. सर्दी काफ़ी हो रखी है बाहर, थोड़ी थोड़ी अभी धूप निकली है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखिए थोड़ी सी धूप निकली है, ज़्यादा नहीं है. चलिए वेट करते हैं. और मौसम भी मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा साफ़ हो रहा है अब. तो अभी बाहर निकल चुकी है धूप एकदम कड़क वाली, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. सुबह से मौसम इतना ख़राब हो रखा था, मैंने सोचा यार धूप तो निकलने नहीं वाली आज. तो अभी हम अपना काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हमने 1:30 या 2 बजे निकलेंगे घर, क्योंकि घर वाले भी वेट कर रहे हैं क्योंकि आज लोहड़ी भी है, घर जाना बनता है. तो काम ख़त्म करते हैं मेरे. सो गाइस, अभी मैं अपने रूम में गया था, जो कि मैंने बैग वगैरह अपने साथ ले लिया है. अब सीधा जाके आपको मिलते हैं बस स्टैंड. सो फाइनली गाइस, अभी पहुंच चुके हैं बस स्टैंड मैटर में. तो बैठते हैं गाड़ी में, मिलते हैं आपको सीधा जाके अपने पास. अभी आपने मेरे शॉर्ट्स देखे, ये थे कृष्णा घाटी के. मैं गाड़ी से इतना कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी भाई, और स्नोफॉल थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे. काफ़ी अच्छा मौसम था और सर्दी भी थी,
तो अभी मैं ना टी जंक्शन उतरा था, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की, वो मुझे लेने आ गया। अब हम सीधा जा रहे हैं घर पे, आगे का व्लॉग दिखाएंगे आपको घर पे जाके। सो गाइस, अभी आपका भाई पहुंच चुका है अपने घर जलास, और एक खास बंदे से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। आ जा भाई तू। तो हेलो गाइस, मैं हूँ मानव। तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी लोहड़ी, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, और उत्कर्ष जादू बड़ी देर बाद आए तो आगे। तो अभी हैप्पी लोहड़ी जलाने के बाद मिलते हैं। तो अभी हम जलाने जा रहे हैं लोहड़ी। ये है, इसे मिलिए मानव, इसे इसको सभी जानते हैं। हाय गाइस। मामा तो अभी हम लोहड़ी जलाने जा रहे हैं, और रिजाश भाई तो दिखाते हैं आपको फिर। तो गाइस ये आ चुका है हमारा सामान, अभी हम जलाने जा रहे हैं लोहड़ी, और देखते रहिए मेरा व्लॉग। तेरे कहाँ पे? तो जिसको चाहिए वो उठा सकता है, मुझे लग रहा है सबसे पहला हाथ मानव का ही आएगा। कोई और उठाओ भाई। तो इसमें पड़ा क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गचक, इसको ये पॉपकॉर्न और रेबड़ियाँ, चिप्पड़, मूँगफलियाँ, और इसको मेरे आईडी से बोलते हैं क्या, जब हम छोटे थे इसको बोलते हैं मुरुंडे। और उठाओ भाई अब। सो गाइज, ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग जो आज का मेरा आपने देखा। तो मेरी सुबह एक बात हो रही थी, मेरे एक फ्रेंड है जो कि राजस्थान जयपुर से है, करण राजपूत। तो वो मुझे कहते हैं यार, मैंने मतलब उनको लोहड़ी विश की, तो कहते हैं यार हमारे यहाँ पे इतनी सेलिब्रेट नहीं होती, तो आप दिखाना कि कैसी लोहड़ी बनाते हो। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत चलो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा यार व्लॉग बना दे भाई इस पर। तो मैं घर पर होता तो काफ़ी अच्छा व्लॉग, इससे भी शायद बेटर बन सकता था, बट मैटर में था, और जितना मेरे से हो सका मैंने बनाया। और करण भाई आपको मैं बताता चलूँ कि जो हाँ मतलब हमारे यहाँ लोहड़ी सेलिब्रेट होती है, ऐसे नहीं मतलब अंदर नहीं करते हम, बाहर ही करते हैं, आग जलाते हैं। बट आज बारिश थी, उसकी वजह से हमें अंदर जलाना पड़ा। और क्या होता है उसमें कि मतलब पूजा वगैरह करते हैं हम, आरती वगैरह करते हैं, फिर अरदास होती है, फिर जो भी सामान वगैरह मैंने आपको दिखाया ये रखा जाता है, और उसके बाद खाया जाता है ना। और अभी लोहड़ी खत्म हो चुकी है, और इस वीडियो को आप एंड करते हैं। तो अभी होने वाली है शुरू पेट पूजा। मानव जी आपने कुछ खाया अभी? खा लिया। हाँ अभी कहाँ, इस बंदे ने अभी और खाना है, तो हम भी खाते हैं भाई। मुझे भी कब से मैटर से आया था, मुझे भूख लगी है काफ़ी ज़्यादा। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, तो इस व्लॉग को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें यार अगर अच्छा लगा हो तो। उसके बाद बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखें अपना।